इसके बी वाला पार्ट देखिए, e तो की पावर वैल्यू हमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालनी है तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर उसके अंदर एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे सो नाउ डिफ्रेंसिएटिंग ऑन बॉथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हो गया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स और फिर टेन इनवर्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्र और ई e की पावर एक्स का ई e की पावर एक्स आप बता देंगे कि बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसीशन है वो होता है माइन ओके टेन इनवर्स है कॉस इनवर्स नहीं है टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन है वो होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क् डी वाई बाई डी एक्स यहां ई e की पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर टू एक्स नाउ डी वाई बाई डी एक्स हमें किस पर निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ये हम पुट कर देते हैं e की पावर जीरो कॉस टेन इनवर्स e की पावर जीरो अपॉन वन प्लस ई की पावर जीरो e की पावर जीरो तो हो गया वन यहाँ पे बन गया ये हो गया वन कॉस टेन इनवर्स ऑफ वन और अपॉन में वन प्लस वन अब इस टेन इनवर्स वन को हम सॉल्व कर लेते हैं लेट दिस टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू थीटा सो टेन थीटा इज इक्वल टू वन और जो टेन है वो वन किस पर होता है पाई बाई फोर पर होता है यानी इस वन को आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर तो यहाँ से अगर इन एंगल्स की टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पर ये एंगल्स भी इक्वल होंगे यानि पूरे टेन इनवर्स वन को आप पाई बाई फोर लिख सकते हैं तो कॉस पाई बाई फोर अपॉन टू कॉस पाई बाई फोर होता है वन अपॉन रूट टू और यहाँ पे टू अपॉन वन तो यहाँ पे जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो है वो वन अपॉन टू रूट टू हमारे पास होगा सिंपल है पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे फिर उसमें एक्स के प्लेस पर जीरो रखते ही हमें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा